बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम टर्किश कबाब बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक बाउल में मैंने 3 टेबल स्पून योगर्ट लिया है, 1/2 टीस्पून क्रश चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1/2 लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसके अंदर टोमेटो पेस्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते, तो इसलिए इसमें स्पाइसेस बहुत कम है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए मैंने 400 ग्राम थाई का बोनलेस करवाया था, थाई के पार्ट का निकलवाया था। बहुत सॉफ्ट और टेंडर होता है, इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और इसकी मैंने छोटी बोटियाँ जो है 2-2 इंच के मैंने पीसेस काट दिए हैं। उससे आप चेस्ट के बजाय थाई का बोनलेस करवाइए, केक बनाएं, बहुत ज़्यादा टेंडर और बहुत जूसी होता है, बहुत मज़े का लगते हैं इसके कबाब। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप इसे। इसके अंदर मैं जीरा भूल गई थी थोड़ा सा ऐड करना, 1/2 टीस्पून क्यूमन पाउडर भी ऐड करना है। इसको मिक्स कर देती हूँ, इसको अब हम रख देंगे। ये देखिए 4 आवर्स हो चुके हैं, इसको हम स्क्वायर्स में लगा लेंगे। चाशनी की स्टिक्स होती हैं, इसके अंदर आप चाहें तो आप जिसमें चाहें आप लगा सकते हैं। मैं पैन पे बनाऊंगी तो हम चाशनी की स्टिक्स में लगाएंगे इसको। अच्छे से लगा लें इसकी, आप थोड़ा सा ऐसे लगाएं कि बहुत ज़्यादा जो है लटके नहीं, इसकी बैलेंस करके लगाएं इसको, उस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा जो बड़ी बोटी हो। बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसको हम चारकोल पे नहीं, हम इसको तवे पे बनाएंगे, पैन पे बनाएंगे। ये देखिए हमारे सारे स्क्वायर्स में लग चुके हैं, और ये मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है पैन। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे वरना मसाला छोड़ देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लेंगे, इसलिए इसको हल्का ग्रीस करेंगे ताकि हमें बिल्कुल बारबेक्यू पर लुक देना है। इसको तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम इसको रखेंगे और एक साइड से बहुत अच्छे से पक जाएंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे। थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, इसको हम टर्न कर लेते हैं, दूसरी साइड से पका लेंगे। थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे, इसको ब्रश से इसके ऊपर हल्का हल्का लगा देंगे। ये देखिए हमारे टर्किश कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इसको आप नान से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं और बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। जैसे हमारे यहाँ का बारबेक्यू का टेस्ट होता है, उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है टोमेटो पेस्ट की वजह से। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।